आपका फिर से स्वागत है आज के ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक है ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं। कुछ विशेषताओं का अध्ययन हमने कल किया, बाकी शेष बची हुई विशेषताओं का अध्ययन हम आज करेंगे। जैसे मैं कल की विशेषताओं को रिपीट कर देती हूँ थोड़ा, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हम कर रहे थे ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं। ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं, कुछ विशेषताओं का अध्ययन हमने कल किया। जैसे ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है, इसमें परंपराओं का विशेष योगदान है, ये अलिखित का अनूठा उदाहरण है, ये परंपराएं इसका इसमें विशेष योगदान है। परंपराएं जब व्यवहार में आते आते सभी लोगों द्वारा स्वीकृत कर ली गई, तो कानून का निर्माण कर लिया गया, और उसके बाद यानी ब्रिटिश संविधान का निर्माण किसी संविधान निर्माण की सभा में न होकर परंपराओं द्वारा ही ये धीरे धीरे अस्तित्व में आई, और इसमें क्या विवेक और संयोग की संतान है। ऐसी ही हमने विशेषताओं का, 7-8 विशेषताओं का कल हमने अध्ययन किया। अब हम करेंगे नेक्स्ट विशेषताओं का अध्ययन। अगली विशेषता है विधि का शासन। विधि का शासन, विधि विधि किसे कहेंगे? विधि को हम कानून भी कहते हैं। विधि का शासन, जैसे नाम से स्पष्ट है कि विधि का शासन हम किसे कहेंगे, कि ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता जिस पर अंग्रेज लोग बहुत अधिक गर्व करते हैं वो है विधि का शासन। यानी ब्रिटिश संविधान निर्माता विधि के शासन पर बहुत अधिक विश्वास करते थे। ब्रिटेन में यानी शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा नहीं, वरन क्या है, विधि द्वारा संचालित होता है। यानी प्रशासन यानी किस किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा पर प्रशासन ब्रिटेन में विधि का शासन है। और विधि के शासन का अर्थ है कि ब्रिटेन में प्रशासन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा इच्छा का परिणाम नहीं होता। इसमें विधि का शासन नहीं है कि इसमें सब लोग समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी व्यक्ति समान और सभी के लिए समान दंड का प्रावधान है। सभी व्यक्तियों के लिए समान दंड का प्रावधान है। जैसे कि डाइसी ने कहा है, हम एग्जांपल देते हैं कि एक सिपाही से लेकर प्रधानमंत्री तक अपने अवैध कार्यों के लिए एक ही समान दंड के भागी होंगे। यानी एक सिपाही से लेकर प्रधानमंत्री तक, सिपाही से लेकर प्रधानमंत्री तक अपने अवैध कार्यों के लिए एक ही समान दंड के प्रावधान उनके लिए किया गया है। ये तो हो गया विधि का शासन। दूसरा हम करेंगे विशेषता इसकी मिश्रित संविधान। मिश्रित संविधान ब्रिटेन के संविधान की एक प्रमुख और महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी नेक्स्ट विशेषता है मिश्रित
संविधान। ब्रिटिश संविधान में शासन के समस्त स्वरूपों का वर्णन किया गया है, यानी ब्रिटिश संविधान में शासन के स्वरूप, शासन के सभी स्वरूप या हम कह सकते हैं प्रकारों का सम्मिश्रण है। स्वरूपों का क्या है? सम्मिश्रण है। और शासन के प्रकार कौन से होंगे? आपने बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, लोकतंत्र। अधिनायक तंत्र को हम कुलीन तंत्रीय संस्था भी कह देते हैं। अधिनायक तंत्र को हम कुलीन तंत्रीय संस्था भी कह देते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान में शासन के तीनों प्रकारों का सम्मिश्रण मिलता है। जैसे हम उदाहरण देंगे राजतंत्र, राजतंत्र के स्वरूप के रूप में हम एग्जांपल देंगे सम्राट का, या हम कह सकते हैं राजा, यानी राजतंत्र के स्वरूप के रूप में। जबकि क्या है, अधिकांश देशों के संविधान में यानी राजा या सम्राट का पद विलुप्त हो चुका है, लेकिन ब्रिटिश संविधान इस दृष्टि से अनूठा है कि अब भी वहां राजा का पद है यानी राजतंत्र है, ठीक है। और दूसरा अधिनायक तंत्र, अधिनायक तंत्र को की तुलना हम लोकसभा से कर सकते हैं जो कि एक कुलीन तंत्रीय संस्था है। लोकसभा, लोकसभा को हम दलितों की सभा भी कहते हैं। इसका महत्व नहीं होने पर भी वर्तमान में ये क्या है, ये ब्रिटिश संविधान में इसका महत्वपूर्ण स्थिति है। तो ये लोकसभा किसका प्रतीक है? अधिनायक तंत्र का प्रतीक है। और लोकतंत्र के रूप में महासंसद का दूसरा सदन लोकसभा है, लोक सदन। लोक सदन किसका प्रतीक है? लोकतंत्र का। लोक सदन को हम कॉमन सभा भी कह देते हैं। इस प्रकार ब्रिटेन के संविधान में तीनों प्रकार के शासन के स्वरूपों का वर्णन मिलता है, राजतंत्र, अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र। राजा राजतंत्र का प्रतीक है, लोकसभा अधिनायक तंत्र का प्रतीक है और लोकतंत्र लोक सदन का प्रतीक है। इस प्रकार ब्रिटेन के संविधान में तीनों ही शासन प्रणालियों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। अगली विशेषता हम पढ़ेंगे सीमित रूप से शक्ति विभाजन। सीमित रूप से शक्ति विभाजन। अब ये देखो, यह है सीमित रूप से शक्ति विभाजन। इसके लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि शक्ति विभाजन या शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है। यह सिद्धांत मोंटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया था और इसमें इसकी प्रमुख विशेषता यह है, या यूं कह लोगे कि इसमें कहा गया है कि सरकार के तीनों अंग, सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका
न्यायपालिका। तीनों कैसे कार्य करते हैं? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शक्ति प्रत्यर्पण सिद्धांत किस पर आधारित है? शासन के प्रकारों के यानी सम्मिश्रण पर आधारित है या इसके अलग अलग कार्य पर आधारित है? तो शक्ति प्रत्यर्पण सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया और उसने कहा कि सरकार के तीनों अंग, जैसे कि मैंने आपको बताया व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों क्या है, अलग अलग कार्य करेंगी। लेकिन ब्रिटेन में इसे सीमित रूप से ही अपनाया गया है, क्योंकि ब्रिटेन में क्या है, संसदात्मक शासन व्यवस्था है। ब्रिटेन में क्या है, यह बात ध्यान में रखना, ब्रिटेन में संसदात्मक शासन
समस्त संविधानों का जनक और संसद समस्त संसदों की जननी है, यानी संसद ब्रिटिश संविधान समस्त संविधानों का जनक और संसद समस्त संसदों की जननी है। इस कथन को ये सभी विशेषताएं पुष्ट करती है। तो आज हमारी ये संसद ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं कंप्लीट होती है। हम ब्रिटिश संविधान का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ब्रिटेन के संविधान में फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं, और सेकंड हम पढ़ेंगे टॉपिक ब्रिटेन का संविधान का सेकंड टॉपिक अभी समय। अभी समय को हमने विशेषताओं में थोड़ा बहुत अध्ययन कर लिया है, अब हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे। अभी समय क्या होते हैं, कैसे अभी समय धीरे धीरे अस्तित्व में आए, और इनका क्या महत्व और विशेषताएं हैं, और इनकी तुलना करते हुए हम चलेंगे। देखो अभी समय यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो स्थान आदत या स्वभाव का होता है, राज्य के जीवन में वही स्थान परंपराओं और प्रथाओं का होता है। ऐसे करके हम इसको स्टार्टिंग करेंगे, यानी राज्य के जीवन में परंपराओं का स्थान वही होता है जो व्यक्ति के जीवन में आदत या स्वभाव का होता है। इस प्रकार हम स्टार्टिंग करेंगे, यानी व्यक्ति के जीवन में जो स्थान आदत या स्वभाव का होता है, राज्य के जीवन में वही स्थान परंपराओं और प्रथाओं का होता है। तो एग्जाम में कई बार अभी समय लिखा होता है, कई बार परंपराएं लिखी जाती है, तो पजल बंद होना। अभी समय और परंपराएं एक ही शब्द है। अब हम आगे इसके महत्व को करेंगे। परंपराओं का महत्व, ब्रिटिश संविधान में यानी परंपराओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा।
आवरण परंपराओं का पालन उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार कोई विधि या कानून हो। इसे न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती और ना ही इसे दंडित किया जा सकता है। इस प्रकार ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं का महत्वपूर्ण संविधान स्थान है। ये अलिखित सूत्र मात्र है, यद्यपि ये कानून नहीं है परंतु फिर भी इनका महत्व है। ये कानून के समान ही है। परंपराएं धीरे धीरे अस्तित्व में आते आते धीरे धीरे जब सामान्य जन द्वारा स्वीकृत कर ली जाती है तो वो कानून का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार हम इसको डिफाइन करेंगे। यानी परंपराएं ब्रिटिश संविधान में इतनी गहरी बैठ चुकी है कि इनका पालन उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार परंपराओं का पालन किया जाता है। अब हम करेंगे अभी समय परंपराएं रूढ़ियां प्रथाएं कानून ये सभी इक्वल है। चाहे आप अभी समय कह लो, चाहे परंपराएं कह लो, चाहे रूढ़ियां कह लो, चाहे प्रथाएं कह लो, चाहे कानून कह लो। सबसे पहली परिभाषा हम करते हैं मील के अनुसार। राइटर का नाम मिल ने इन्होंने संविधान के अलिखित सूत्र के रूप में प्रदर्शित किया है। संविधान के अलिखित सूत्र यानी क्या है, इनका निर्माण किसी संवैधानिक बात भी नहीं हुआ है बल्कि इनका महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि एक कानून का। नेक्स्ट परिभाषा हम करेंगे डार्सी की। अभी समय सिद्धांत और वे व्यवहारिक नियम है जो राजा मंत्रियों और अन्य पदाधिकारियों के कार्य पर नियंत्रण रखता है। दूसरी परिभाषा है डार्सी के अनुसार यानी क्या है, रूढ़ियां राजा शासन के पदाधिकारियों व जनता पर नियंत्रण रखता है। इस प्रकार परंपराएं क्या हुई, यानी इनका पालन राजा प्रजा और शासन के सभी पदाधिकारियों द्वारा उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार एक कानून को। इस प्रकार हम अभी समय को ब्रिटेन की आत्मा भी कह सकते हैं। अभी समय को ब्रिटेन की आत्मा क्योंकि वहां अभी समय ही कानून है। तो आगे हम नेक्स्ट कल करेंगे ब्रिटिश संविधान के अभी समय और कानून में।